जी तो अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ली शर्टलियर प्रिंसिपल। अभी आपको पता है अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक ए प्लस बी सी प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसके अंदर कोई स्ट्रेस अगर आप क्रिएट कर दें, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड देन दिस सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे, इस तरीके से सिस्टम एक्ट करेगा से टू नलीफाई द अफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को नलीफाई करेगा। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक कोशिश हो सकेगी। क्लियर है? ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम देन द सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे टू नलीफाई दिस अफेक्ट एज फॉर एज पॉसिबल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास हम किन चीजों के इफेक्ट्स देखेंगे? कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। यानी अगर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है तब उनको ये अपने आप को इस तरीके से बिहेव करवाएगा कि वो कंसंट्रेशन मेंटेन कर सके। हम वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, प्रेशर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर क्या क्या असर होता है। ली शर्टलियर प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट टू नलिफाई ऑल दीज अफेक्ट्स विच डिस्टर्ब इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं।